नाक की शेप बदली, होठों की शेप में आया खूबसूरत बदलाव, दांतों का भी करवा डाला ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मोनी ने पाया हुस्न लाजवाब। नहीं नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना तो उन लोगों का है जिन्होंने हॉट एंड ग्लैमरस मोनी रॉय का ये थ्रोबैक वायरल वीडियो देखा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर मोनी रॉय का पुराना वीडियो वायरल हुआ तो लोगों को तब और अब का अंतर साफ नजर आया। कुछ सालों में ही पूरी तरह से बदल गया है मोनी का हुलिया, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे बता डाला है प्लास्टिक सर्जरी का असर। अब वो वीडियो हम आपको कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि किस तरह से ट्रॉल हो रही हैं मोनी रॉय। कोई मोनी को प्लास्टिक की दुकान कह रहा है, तो कोई उनकी खूबसूरती को बता रहा है सर्जरी का असर, तो किसी ने कह दिया है कि तब इंसान लगती थी लेकिन अब प्लास्टिक की दुकान बन गई है। मोनी की जब भी कोई नई फोटो या वीडियो सामने आता है तो अक्सर लोग उन्हें प्लास्टिक ब्यूटी कहकर चिढ़ाते हैं। मोनी रॉय पर अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लिप और नोज सर्जरी से लेकर सिलिकॉन इम्प्लांट और स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट तक करवाने के इल्जाम कई बार लग चुके हैं। मोनी ने साल 2006 में जब सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से टीवी की दुनिया में कदम रखा था, तब वो ऐसी दिखती थी, और तब से लेकर अब तक मोनी का हुलिया पूरा का पूरा बदल चुका है। कहा जाता है कि एवरेज लुकिंग मोनी ने खूबसूरती और कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए कई बार कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनी ने अपने होठों और नाक की शेप को ठीक करवाने के लिए सर्जरी का सहारा लिया है। मोनी रॉय ने सुंदर दिखने के लिए अपने लिप्स की सर्जरी करवाई है, उन्होंने लिप्स को पहले से ज्यादा फिल करवा लिया है। मोनी के नेचुरल लिप्स कभी काफी पतले हुआ करते थे, इसलिए अपने लिप्स को पम्प्ड अप लुक देने के लिए मोनी ने फिलर्स का यूज किया था। इसके साथ ही कहा जाता है कि मोनी ने अपनी नोज की शेप को भी ठीक करवाया है और उसमें कई बदलाव करवाए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मोनी ने अपनी फिगर में उम्फ फैक्टर ऐड करने और अपने फ्लैट चेस्ट को उभार देने के लिए सिलिकॉन इम्प्लांट भी करवाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैवी चेस्ट हासिल करने के लिए मोनी ने ब्रेस्ट एनहांसमेंट सर्जरी का सहारा लिया है। मोनी पर आईब्रो फिलिंग सर्जरी करवाने के भी इल्जाम लगते हैं। कहते हैं कि सर्जरी करवाने से पहले मोनी की आईब्रो की शेप बिगड़ी हुई थी, साथ ही वो काफी हल्की और लाइट भी थी, लेकिन बाद में कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए मोनी की आईब्रो पहले से ज्यादा थिक और हैवी हो गई है। कहते हैं कि मोनी ने स्किन ब्लीचिंग ट्रीटमेंट भी करवाए हैं। मोनी ने जब सीरियल्स की दुनिया में कदम रखे थे तब वो सांवली हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे डस्की मोनी के रंग में बदलाव आता गया। कहा जाता है कि अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन से छुट्टी पाने के लिए मोनी ने कई स्किन ट्रीटमेंट्स करवाए हैं। कहते हैं कि मोनी ने स्किन का शेड डार्क से लाइट करने के लिए ही स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट के साथ ग्लूटिथियोन इंजेक्शन का सहारा लिया है। इसके साथ ही मोनी ने अपने दांतों की शेप ठीक करवाने के लिए डेंटल ट्रीटमेंट भी करवाया है। हालांकि मोनी कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी की बात को हमेशा नकारती हैं। मोनी के मुताबिक हेल्दी लाइफस्टाइल, उचित खान पान और योगा के जरिए उनकी ये काया पलट हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।